परंतु तुझ पर बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है। मेरे को क्या करना होगा बाबा? हाईवे पर बंजर हवेली है, वहां ठीक 11:45 पर आ जाना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस और मैं आपका दोस्त मुस्तफा ज़रार हूँ। दोस्तों आज मेरे साथ पुलिस वाले हैं, ना पॉलिटिशियंस है और ना ही डॉक्टर। आज मेरे साथ है स्टार्स। आपने भूतपूर्व जो वेब सीरीज है उसका नाम तो सुना ही होगा, तो उसके एक स्टार मेरे साथ है जिनका नाम है रोहित अन्ना। आइए हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या मोटिवेट किया था उनको सीरीज बनाने के लिए। रोहित भाई वेलकम टू स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। आप सबसे कुछ शुरू करने से पहले मैं पहले स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुस्तफ़ा भाई, हमारे मौका दिए है कि स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस पे हमारी मूवी हमारी वेब सीरीज़ को प्रमोट करें। और उससे पहले मेरा नाम रोहित नहीं है, मेरा नाम सैयद है। मैं इस मूवी का इस वेब सीरीज़ का डायरेक्टर और एक्टर दोनों हूँ। और रोहित के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। रोहित जो भूतपूर्व का सेकेंड लीड हीरो है, मेन लीड तो कुमार और बाबा के बीच में होते रहता है, तो सेकंड लीड जो है वो तो फिक्स है, वो कुमार नहीं है, वो रोहित है। और रोहित जो है बिजनेस में डूब गया है, एकदम डिप्रेस इंसान है, उसका ब्रेकअप हो गया, घर से परेशान है, मतलब उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। उसका मतलब ये कि भाई जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो वो कम्प्लीटली आउट होता है दुनिया से, ये बोलना चाह रहे हैं? यही ओके। तो रोहित जो है राह चलते एक बाबा से मिलता है और वहाँ से स्टोरी शुरू होती है। मैं आगे बोल के आप लोगों का मजा किरकिरा नहीं करना चाहूँगा। की रात है, तुम्हें आज ही इस प्रेत आत्मा से मुक्ति पानी होगी और मैं जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। आइए दोस्तों मैं आपको अब तारुफ कराता हूँ भूतपूर्व के जो दूसरा स्टार है कुमार अन्ना से, उर्फ शाहरुख भाई। तो शाहरुख भाई वेलकम टू स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस, ठीक है? शुक्रिया। और आप बताइए आप जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में बताइए और मोटिव के बारे में बताइए। मेरा जो रोल है एक्चुअली एक मारवाड़ी कैरेक्टर है जो एक कुरियर का बिजनेस चलाता है, तो अपने लाइफ में बिजी है अपने वाइफ के साथ, मतलब कैसा रहते लोग, एंड अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। हर किस्म का रिलीजन फॉलो करता है, पूजा भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, चर्च को भी जाता है। तो इसमें क्या है, जब हम बिजी रहता है अपने कॉल्स में कुरियर के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तभी एक बाबा आते हैं इनके पास एक बक्सा ले लेके। खबर कहाँ पहुँचाना है? कुरियर करना है। कब तक पहुँचेगा? विदिन 1 वीक पहुंच जाएगा सर। भूतपूर्व तेलंगाना कल शाम तक पहुंच जाना चाहिए। डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन। और ये जो भूतपूर्व जो वेब सीरीज है उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है आज हमारे साथ है, उनका नाम है बाबा तांत्रिक। तो मैं आइए बाबा तांत्रिक साहब को इंट्रोड्यूस कराता हूँ और पूछता हूँ उनके कैरेक्टर के बारे में, एट द सेम टाइम कि जो नाम है भूतपूर्व उन्होंने कहाँ से लिया और कैसे लिया। हाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम सर। और जो मेरा नाम है उस्मान है, मैं बाबा तांत्रिक नहीं हूँ, दैट वॉज माई कैरेक्टर। ओके। और जो आपका सवाल था कि भूतपूर्व आपने इस मूवी का नाम कैसे रखा, भूतपूर्व हमने इस मूवी का नाम इसीलिए रखा है कि हमारी स्टोरी ऑलरेडी डिसाइडेड थी। तो इस मूवी में हमारा एक मोटो है कि एक हमारा कोरियर रहता है वो जो हम एक जगह पे पहुंचाना है हमको, तो वो जगह का नाम हम क्या डिसाइड करें। तो हम ऐसे ही बैठे थे पूरे 3-4 लोग, हम लोग जो हम मूवी में प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर्स, तो हमने ऐसे सोचा, तो हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये एक जगह जो तेलंगाना में उसका नाम भूतपूर्व है, तो व्हाई नॉट भूतपूर्व हम ये रखें, इसीलिए हमने इसका नाम भूतपूर्व। चलिए गुड। अच्छा मैं ये सवाल रोहित भाई से भी किया हूँ और शायद कुमार भाई से भी कर रहा हूँ कि भाई
आप लोग ये जो बनाए हैं वेब सीरीज, इसके पीछे मोटिव क्या है, आइडिया क्या है, क्यों बनाए हैं? मोटो हमारा तो फर्स्ट थिंग है कि हम ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहते हैं। हमारा ये है कि हम हर तरह से, हर कैरेक्टर से, हर रोल से और हर स्क्रिप्ट, हर कॉन्सेप्ट के साथ हम ऑडियंस को एंटरटेन करें। और जो जो हम, हमारे अंदर टैलेंट्स है और हमारे में जो कैरेक्टर हम प्ले कर सकते हैं, वर्सेटाइल रोल्स हम जो प्ले कर सकते हैं, वो ऑडियंस के सामने लाएं। और हमारा यही था कि ये मूवी को हम इस तरीके बनाएं कि लोगों तक मैसेज जाए कि अगर आप आंख बंद कर किसी पे भरोसा कर लें अनजान लोगों पर, तो उसका नतीजा क्या होता है। तो यही है कि आप किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, या किसी से कोई कन्वर्जेशन होती है, या किसी के थ्रू किसी से मिलते हैं, तो आप पहले उनको जानिए, अपने आप पे पहले कॉन्फिडेंस रखिए, उसके बाद उनके ऊपर बिलीव करिए। ग्रेट, ये अच्छा मैसेज है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इंटरव्यू स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस पे। हमारा चैनल का नाम है द लोनली गाइस प्रोडक्शन। प्लीज़ मोटिवेट अस और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।